हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों देखेंगे कि एक ब्लिंक ऐप से आप होम ऑटोमेशन कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, डेमो के लिए मैंने ये ऑन ऑफ कर रहा हूँ। 8 चैनल का रिले है और ये ब्लिंक ऐप से ऑन ऑफ हो रहा है। तो इसे कैसे बनाना है आज की वीडियो में पूरा देखेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो दोस्तों, आपको सब समझ में आएगा कैसे इसे बनाना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, लेकिन आप पूरा अंत तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पे मैं ब्लिंक ऐप ओपन कर रहा हूँ। इसे कैसे कॉन्फिगर करना है वो आज देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, मेंटेनेंस लाइट करके ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर में एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना है। प्रोजेक्ट नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, आपका जो पसंदीदा नाम है। यहाँ पे मैं अपना चैनल का नाम दे देता हूँ, ऑल रिपेयरिंग। और इसके बाद में आपका जो भी डिवाइस है, मेरे पास ESP32 का देवी वाला बोर्ड है, देवी मॉडल, और ये वाईफाई के साथ में चलता है। तो इसे लेके आपको क्रिएट करना है। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो ऐप के जरिए आपको एक मैसेज मेल आ जाएगा। अत का जो टोकन रहता है वो टोकन नंबर आ जाएगा यहाँ पर, और ये टोकन नंबर से आपको स्केच बना के ESP32 में अपलोड करना है। तो इसका भी प्रोसीजर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेल आया हुआ है, तो इसके लिए दोस्तों लैपटॉप के ऊपर मैं आपको दिखा दूंगा इसका कि क्या कैसा करना है। प्रोजेक्ट अपना रेडी है। तो चलिए, अभी स्क्रीन के ऊपर मैं आ गया है। यहाँ पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। यहाँ पर जो मेल आया था वो मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लिंक का जो सर्वर रहता है उनके थ्रू एक मेल आया है। यहाँ पर वो जो टोकन है उसे की भी बोलते हैं दोस्तों, वो की आ रही है। आपको वो स्केच में डाउनलोड या अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, स्केच जनरेटर करके एक डॉक्यूमेंट है, इसे आप ओपन करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने खुल के आएगा। इसमें आपको ये सब फिलअप करना है, वाईफाई का नाम, वाईफाई का पासवर्ड आपको देना है और अपलोड करना होता है। तो चलिए इसे भी फिलअप करते हैं। ये बाजू वाले में पॉपअप विंडो में आप इसे भरेंगे तो ऑटोमेटिकली स्केच में ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका बोर्ड का मॉडल लेना है। यहाँ पे मेरा ESP32 है, और यहाँ पे आपका जो टेम्पलेट आईडी है वो आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे चैनल का नाम दे देता हूँ, ऑल रिपेयरिंग, और डिवाइस नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरफ आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे मेरा नाम दे देता हूँ डिवाइस नेम में, और यहाँ पे जो अर्थ वाला टोकन है जो मेल पे आया है आपको, वो यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ये स्केच में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है जो टोकन जो डाले थे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। तो अभी क्या करना है दोस्तों, ए वाले स्केच को कॉपी करना है, जो स्केच बन गया है डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे वाईफाई का नेम और पासवर्ड आप जो आर्डिनो आईडी में ओपन करेंगे तो यहाँ पे फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करके इसे दोस्तों आर्डिनो आईडी में जाके इसे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर साइड में कॉपी का ऑप्शन है, इसे कॉपी करके आर्डिनो आईडी ओपन कर दिया है मैंने ऑलरेडी। यहाँ पे पुराना जो न्यू पेज है आर्डिनो आईडी के अंदर वाला, उसे पुराना निकाल देंगे। तो इसीलिए और एक न्यू पेज ओपन कर दिया है मैंने, इसका पुराना सब निकाल के यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आ गया है पूरा स्केच।
और खाली यहाँ पे आपको वाईफाई का जो SSD है, नेम है वाईफाई का आपका जो भी अवेलेबल है वो यहाँ पर डालना है। मैं यहाँ पर जो मेरा वाईफाई नेम है वो डाल देता हूँ और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। तो अभी ये स्केच अपना अपलोडिंग के लिए रेडी है। तो इसे एक बार वेरीफाई अपलोड करेंगे, उसके पहले आपका जो भी कॉम पोर्ट है वो सिलेक्ट करना है। मेरा COM3 है, आपका जो भी है आप सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर एक बार स्केच सेव करेंगे, आगे जाके कुछ इसके साथ नया बनाएंगे प्रोजेक्ट। तो इसे डेस्कटॉप में सेव करते हैं। अभी ये अपलोडिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो गए दोस्तों, थोड़ा वेट करेंगे। जैसे ही अपलोड होता हुआ हो जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए अपलोडिंग स्टार्ट हो गया है, अपलोडिंग डन हो गया है। तो अभी इसके साथ में आगे का प्रोसीजर देखेंगे। ये स्केच अपना कंप्लीट हो गया है, अभी ब्लिंक ऐप में आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो देखते हैं। तो चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे, तो यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल का स्क्रीन मैंने ओपन किया है। वापस से ब्लिंक ऐप ओपन करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ऑल रिपेयरिंग का प्रोजेक्ट अभी ऑनलाइन आ गया है। जैसे ही स्केच अपना अपलोड हो गया है तो यहाँ पे विजिट में आप बटन ले लीजिए, आपका जो भी है एनर्जी ऐड आपके उसमें ऐप में। मेरे पास 1200-1400 था, तो मैं 7 बटन इससे क्रिएट करूँगा। आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बटन क्रिएट करता हूँ, 7 बटन मैं क्रिएट करूँगा। तो मेरे पास जितना भी ये एनर्जी था वो ख़त्म हो गया है। ऐड एनर्जी आप कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाके वाउचर खरीद के। तो ये 7 बटन क्रिएट हो गए दोस्तों। अभी इसके साथ में आगे का प्रोसीजर बताता हूँ आपको कि इसे कैसे प्रोग्राम करना है। पूरा ही कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको ऐड करना है और भी एनर्जी पैक तो यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा आपको 5000 का पैक, 2400 और 1000 वाला भी यहाँ पे मिल जाएगा। 600 रुपये में आपको 5000 का एनर्जी मिल रहा है दोस्तों, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है। सीखने के लिए आप ये फ्री वाला यूज़ कर सकते हैं, कोई परचेस करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं डेली यूज के लिए तो आप इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पूरे बटन जो है कस्टमाइज कर रहे हैं। कस्टमाइज करके आप इसे आराम से अपना डेस्कटॉप का जैसा पेज बना सकते हैं। इसमें आपको जैसा भी अच्छा लगे आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं इसे लंबा शेप में बनाऊंगा, इसलिए मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। तो अब इसे खींच के ऐसा लंबा बनाऊंगा ताकि इसका थोड़ा सा दिखने में अच्छा दिखे। यहाँ पर देख सकते लंबा कर दिया है मैंने, ऐसे पूरे बटन बना के लेंगे। और यहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है। और ये पुराना वाला ब्लिंक है दोस्तों, ये जल्दी ही बंद होने वाला है, इनका सर्वर डाउन होने वाला है। ये दिसंबर एंड तक इनका सर्वर पूरा बंद होगा। तो आपको नया वाला जो इनका प्लेटफॉर्म है ब्लिंक का, उसमें आपको जाना होगा। ये वाला प्लेटफॉर्म इनका बंद होने वाला है, कम्प्लीटली शट डाउन होगा सर्वर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 बटन अपने क्रिएट हो गए है। इसे अभी डिजिटल पिन का असाइन करना होगा हर स्विच के लिए। इसे कैसे करना है यहाँ पर देख सकते हैं, पिन नंबर है 1 और 0 आपको रखना है पुश में। स्विच करके है इसे ऑन करके, यहाँ पे लेबल है उसे आपको ऑफ और ऑन को ऑन लिखना है। इसी तरह पूरे स्विच आपको बनाने हैं। आपको
जो पसंद कलर है वो आप ले सकते हैं कस्टमाइज के लिए, आपके हिसाब से इसे डिज़ाइन बना सकते हैं। पुराना ब्लिंक एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, लेकिन अभी ये दिसंबर एंड तक ये बंद होने वाला है, तो आपको नया वाला ब्लिंक प्लेटफॉर्म में आपको जाना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर मैंने लिया है येलो। इसी पिन कॉन्फ़िगरेशन में अलग अलग पिन से देने होंगे आपको ऑन ऑफ के लिए। तो इसी तरह पूरा स्विच कॉन्फ़िगर करके लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पूरे बटन क्रिएट हो गए हैं दोस्तों। अभी डिजिटल पिन से हर एक के लिए असाइन करेंगे स्विच के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल पिन GPIO 0, GPIO 1, 2, ऐसे एक एक स्विच में क्लिक करके आपको असाइन करना है हर एक के लिए अलग अलग। जैसे GPIO 0 स्विच नंबर 1 के लिए हो गया, स्विच नंबर 2 के लिए GPIO 1 लेंगे। जिसे जिसे पिन आप यूज करेंगे साइड में यूज करके लिख के आएगा, वही पिन आपको दोबारा यूज नहीं करना है, नहीं तो एक ही स्विच में दो दो रिले ऑन होके दो दो लाइट चालू हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर ऐसा एक एक करके आपको करना है अलग अलग। यहाँ पर देख सकते हैं ऑन ऑन करके आ रहा है, ये दो स्विच अपने रेडी है। इसी तरह बाकी के भी स्विच कॉन्फ़िगर करके लेना है, तो वो भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो दो स्विच रेडी हो गया है। इसी तरह एक एक करके आपको पूरा स्विच में डिजिटल पिन असाइन करना है हर एक स्विच के लिए। तो देख सकते हैं आप वन बाय वन इसे रेडी करके आपको ऐड करना है। लेबल में ऑफ और ऑन लिख के कलर आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ऐसा एक एक करके करना है, डिजिटल पिन देना है। जैसा 3 नंबर स्विच के लिए GPIO 2 जाएगा, और इसे वापस से स्विच नंबर 4 के लिए ऐसा वन बाय वन करना है। पूरे जितने भी स्विच बना है आपने उसे पूरा ऐसा सेटअप करना है वन बाय वन। तो ये वीडियो देख के आपको समझ में आएगा दोस्तों इसे कैसे सेटअप करना है। डिजिटल पिन 3, 4, 5 ऐसे करना है अलग अलग, तो आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब स्विच बना के लेता हूँ, और जो ऊपर बटन लिखा है वहाँ पे आप स्विच नेम भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रोड लाइट करके दे रहा हूँ, तो आपके स्विच के ऊपर लिख के आएगा वो स्विच किस चीज़ का है, जो भी आप देना चाहते हैं, बाथरूम लाइट, रोड लाइट, डाइनिंग टेबल लाइट, स्टडी टेबल लाइट, ऐसा अलग अलग बटन के ऊपर लिख सकते हैं। तो आपको बाहर से मालूम पड़ जाएगा वो किस चीज़ का बटन है। पूरा इसे कस्टमाइज आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं, एकदम सरल है दोस्तों, कोई इसमें ये नहीं है। आप इसे आराम से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं पूरा करके लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो ये पूरा पिन अपना हर एक स्विच को असाइन करके हो गया है दोस्तों। तो अभी इसे एक बार दिखाता हूँ आपको मैं, जिस जिस पिन को आप असाइन किया है वो स्विच के ऊपर आपको लिख के आएगा। इसका पिन का डिजिटल पिन जिसे आप कर रहे कॉन्फ़िगर वैसा ही नोड ESP32 के जो पिन नंबर है उसमें आपको रिले कनेक्ट करना होगा। जैसा आपने GPIO 12 लिख दिया है यहाँ पे स्विच स्विच को, तो वही पिन आपको रिले में भी देना है। तो पूरा ये तरीके से ये 7 बटन अपना कस्टमाइज हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं हरे कलर में दिख रहा है बढ़िया, एकदम ब्लिंक का डैशबोर्ड एकदम अच्छा दिख रहा है। अपना प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है,
ESP32 में इसका वायरिंग करके बस इसे ऑन करना है। तो इसका वायरिंग कैसा करना है ये पिन नंबर देख के आप रिले में जोड़ सकते हैं, और इसका वायरिंग का स्क्रीनशॉट भी मैं दे दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।